के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इज इक्वल टू, यस। अब देखो बेटा, अगर हम सिंपल सा कैलकुलेशन करें, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू स्लोप है, हाँ एक्स एक्सिस, क्या बोल रहे बेटा, स्लोप, स्लोप तो है ही, इसका थोड़ा और शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर हम बात करें कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या परपेंडिकुलर टू वाई, वन ऑफ द सेम थिंग, एक ही बात है ना। तो इस समय देखो बेटा, इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई इज इक्वल टू के, मतलब उस समय ए क्या होता है, जीरो। अरे यस, हमारी इक्वेशन ऐसी होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो एक तरह से ये जीरो होगा तभी तो एक्स की टर्म नहीं आएगी। अरे बोलो ना, हाँ हाँ, ये इक्वेशन का ये इसी को तो मैंने ऐसे लिखा, वाई इक्वल टू माइनस सी बाय ए, ये तो एक तरह से कांस्टेंट हुआ है ना बेटा। तो इसमें क्या बी की टर्म नहीं आती है, ए की टर्म नहीं आती है, तो याद रखो दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स तो ए कोएफिशिएंट होगा, है ना। सिमिलरली अगर आपकी लाइन इज, है ना, तो एक तरह से ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो इसमें क्या होता है, देखो बी इज इक्वल टू जीरो, यस। तो बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है जिसके पैरेलल उसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट, मतलब ये एक्स को पैरेलल है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, आपको सीधा याद रखना है। कैन क्लोज द डोर, आपको सीधे याद रखना है कि अगर पैरेलल टू एक्स है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कांस्टेंट, पैरेलल टू वाई तो वाई। अच्छा, इफ योर लाइन इज, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो समझो कांस्टेंट होता है ना बेटा, वो जीरो होता है, मतलब सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस गाइस, कोई दिक्कत इसके अंदर, ये आप तीनों चीजें याद रख लो। अगर मैं शॉर्ट में इसको बोलूं तो पैरेलल टू, ये आपकी लाइन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या तो एक्स का कोएफिशिएंट ए कांस्टेंट जीरो, पैरेलल टू वाई एक्सिस दो वाई का कोएफिशिएंट जीरो, और अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन तो उस समय सी जीरो। अरे बोलो ना, हाँ कोई लोचा से बेटा, नो नो सर, इम्पोर्टेंट है ना, ये आपको याद रखना है, इसी को प्लेन किया है। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान सुनना बेटा एवरीबॉडी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो के इज इक्वल टू थ्री, बोलो हाँ। पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब फोर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, पासिंग थ्री ओरिजिन तो सी इज इक्वल टू जीरो, सी क्या बेटा, के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ की के की वैल्यू जाएगी बेटा सिक्स और वन, यस यस सर। यस, तो ये आपके पास तीन आंसर आ गए, थ्री प्लस माइनस टू और सिक्स वन। यस गाइस, यस सर। और ये आपको मैं पहले बता था कि ये ए एक्स का क्वेश्चन, ये बी है वाई का क्वेश्चन, और ये सी इसका क्वेश्चन। कोई लोचो, नो सर, गेटिंग, याद रखो जिसको जो पैरेलल होता है ना, जिसका पैरेलल उसका क्वेश्चन जीरो, याद रखो सिंपल सा है। जिसके पैरेलल उसका कोएफिशिएंट जीरो, अरे याद रहेगा बेटा। जो ऐसे वर्ड होते हैं ना, इससे आप लोग को ज्यादा टाइम तक याद रहता है, इसलिए इसको आप याद रख लिया करो, ये ऐसे हैप्पी वाले हैप्पी मोमेंट्स।
है ना। चलो जंप ऑन द क्वेश्चन नंबर टू। Everybody do fast, simple question है। Very घटिया question। Yes। Fall down। सर पी की वैल्यू माइनस टू। यस सर ठीक है। अब देखो ना सब लोग ध्यान से पुट करना है। पाई बाय टू आ रही है। वेरी गुड। देखो Find the value of theta and p if the equation is this. अब देखो डे याद करो, इसको करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तो सिंपल है, हमको पता है यहाँ पर if you have a equation root 3x plus y plus 2 is equal to 0, तो a is equal to कितना कटा root 3, b is equal to 1 and c is equal to 2. Is it okay? Yes. अब याद करो, आपको सर ने बताया था x is equal to r cos theta. Y is equal to R sin theta. Yes, sir. Wait. First, Kian, Papa is doing something. तो अब यहाँ से आप कर सकते हो या एक काम करो, एक ही मेथड हो गया, सेकेंड मेथड देखो सिंपल है। ये याद रखो, पापा इज वेटिंग ना बेटा, प्लीज इट्स ओके, पापा विल ज्वाइन ना। देखो बेटा, देखो ये इक्वेशन हो ना, अब इसको याद रखो, इसको क्या करो, ऑलवेज डिवाइड बाय रूट ओवर कोफिशिएंट का एक्स कर गया एस प्लस बी। तो ये इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो बेटा ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है ना। ये उधर इधर जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बीस का डिवाइड किया दोनों तरफ, है ना बेटा। अच्छा ये जो आपका एक्स वाई है वो एज इट इज है, यहाँ पर एक्स था यहाँ पर वाई था, ये एज इट इज बेटा। ये जो ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, दिस इज कॉल यूर कॉस अल्फा, दिस इज बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, दिस इज कॉल साइन अल्फा। और ये जो माइनस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना बेटा, ये होता है आपका Yes, guys. It's very simple. Yes, कुछ भी ऐसा लॉजिकल या कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको हम लोगों ने अलग से बनाया, है ना बेटा, एकदम सिंपल सा है। Yes. Yes, sir. तो लो इसको प्लस सी लिखे तो भी सेम नहीं आएगा, और लेंथ है प्लस माइनस कुछ भी लो सेम आएगा, मगर मेरे को क्या अभी आई टी जे कराना है ना, वहां माइनस सी लेके चलो इसलिए करा रहा हूँ। कुछ राइट ऑन दिस, प्लीज आई डोंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फॉर्म, लिख देना नॉर्मल फॉर्म।
कॉपीड डन यस सर अब देखो एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट हमारे पास इक्वेशन थी रूट थ्री एक्स प्लस फाइव प्लस इफ यू वांट तो देखो डायरेक्टली यू कैन डू अगर आपको इससे कंपेयर करना हो तो या इसको आप हमेशा क्या करा करो देखो बेटा इंटायर इक्वेशन थी ना इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे रूट ओवर एक्स का ऑप्शन क्या थ्री वाई का वन तो ये क्या हो गया बेटा देखो बेटा रूट थ्री बाय टू एक्स प्लस वन बाय टू वाई प्लस टू अपॉन टू कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बेटा आप देखो बेटा अरे आर यू गेटिंग मी ये एमएम में लिखना आप लोग समझना इसको एनी प्रॉब्लम आप देखो बेटा अब आपको यहाँ पे ऐसा लॉजिक लगाना है ऐसा सोचना है देखो विल बी कॉस अल्फा ये आपको सोचना है ये यू हैव टू थिंक है ना अच्छा होगा क्या 101% जो आपका सेकेंड है वन बाय टू वो अपने आप साइन अल्फा आ जाएगा पापा इज डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट आर यू गेटिंग मी आ रहा है सबको समझ में इट्स वेरी सिंपल हाँ आपको लॉजिक दिमाग में यही लेके चलना है और कुछ भी नहीं लेके चलना है अरे यार सुनो ठीक है क्या है ना ओके अभी देखो ध्यान सुनो रूट थ्री बाय टू को व्हाट आई कैन राइट से फास्ट कॉस 30 degree तो ऑब्वियसली साइन 30 degree 1/2 होता है यस गाइस यस इफ यू विल कंपेयर तो ये क्या देखो देखो ये कंपेयर क्या करोगे तो क्या देखो कॉस थीटा एक्स प्लस साइन थीटा वाई इज इक्वल टू तो ये आ गया आपका थीटा इज इक्वल टू हो गया पाई बाय थ्री एंड पी इज इक्वल टू हो गया मॉड वन प्लस Getting everybody? देखो मैंने क्या किया इट वॉज द इक्वेशन माइनस वन भी लोगे तो चलेगा क्योंकि वो लेंथ पी हो जाएगी माइनस वन भी लिखोगे चलेगा है ना देखो x का क्वेश्चन टू थ्री उसका स्क्वायर थ्री क्वेश्चन ऑफ y इज वन तो वन का स्क्वायर वन तो रूट थ्री बाय टू तो डिवाइड वन बाय टू और टू बाय टू अब इसको आपको दिमाग लगाना है थॉट कि दिस विल बी कॉस अल्फा तो अपने आप जो सेकेंड होगा ना वो अपने आप साइन अल्फा बन जाएगा तो जैसे इसको मैंने किया कॉस पाई बाय थ्री तो देखो साइन पाई बाय थ्री बिना सोचे यही आता है फूक दो से फूक दो गुड है ना और ये उधर चला गया ये आ गया आपका कॉस थीटा साइन थीटा पी बस आप ये चाहो तो यहाँ पर माइनस यस देखो अभी आप डरो मत अभी मैं इसको सुनो जैसे मेरे पास है 3x plus 4y minus 12 is equal to 0 है ना नाउ हमको कन्वर्ट करना है cos alpha x sin alpha y plus c is equal to 0 plus p या is equal to p देखो गाइस अब ध्यान सुनो अब स्टेप वन प्लीज लिसन स्टेप वन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यहां तो कोई दिक्कत तो हमारा स्टेप क्या आ गया बेटा स्टेप क्या हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर थ्री अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 इक्वेशन क्या बेटा 3 बाय 5 एक्स प्लस 4 बाय 5 वाई माइनस 12 बाय 5 इज इट ओके नाउ पॉइंट नंबर 2 नो इट्स नॉट बॉल इट्स डॉग ओके इट्स नॉट इट्स वेरी सिंपल है ना ओके पापा जी है ना इट विल नॉट डू एनीथिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कॉस अल्फा से कंपेयर करो लेट है ना यस ओके बेटा
ओके कॉस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना, अब क्या होगा 101% साइन अल्फा विल बी ओके कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. देखो सी वेयर इज द डॉग इज बार्किंग, नॉट वुल्फ. ओके ये हमेशा आप लेके चलो. तो देखो बेटा लेट, हाँ यस, तो लेट 3/5 इज इक्वल टू कॉस अल्फा. आप देखो बेटा ध्यान सुनो, अब इसको समझो, ये जो मैं समझा रहा हूँ ना इसको समझना. इसको अगर कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा तो कहता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. यस हाँ, तो देखो बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस 9. तो आपका परपेंडिकुलर क्या आ गया बेटा 4 है ना बेटा, रूट 16. तो ये हो गया p इज इक्वल टू 4. अब देखो आपका साइन अल्फा क्या होता है, जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन यस, तो 4/5. देखो बेटा अब आपका जादू क्या होगा, ये सेकंड अपने आप आपका मैनेज हो जाएगा. देखो ये आपका यही था ना 4/5 साइन अल्फा ही था ना, गेटिंग एवरीबॉडी. इसलिए मैंने क्या था, लेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा लेट. वेरी गुड, तो 101% साइन अल्फा आपका कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जाएगा. बोलो हाँ, यस यस यस. ओके गाइस है ना, नाउ putting these values. तो देखो बेटा अब अपन क्या करें, यस यस यस, हमारे पास इक्वेशन क्या बेटा, देखो 3/4x + 4/5 यस माइनस 1 सॉरी माइनस 12/5 यस बेटा, यस 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 12/5 आएगा सर, प्लस है ना. तो आपका हो गया cos अल्फा इज इक्वल टू 3/4 sin अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड p इज इक्वल टू 12/5. ये आपका आंसर है. यस यस सर, फिर से समझो सब लोग, कुछ नहीं करना है आपको, डिवाइड बाय दिस. मैंने 25 से डिवाइड कर दिया तो रूट ओवर 5 तो 3/5 4/5. अब अगली बार कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप अपने आप cos अल्फा कंसीडर करो. देखो मैंने इसको cos अल्फा किया तो अपने आप डेफिनेटली दूसरा जो है आपका साइन अल्फा आ जाता है, ये आपका अपने आप साइन अल्फा आ जाएगा है ना, 101% साइन अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा. बस पुट दिस वैल्यूज, तो ये आपका हो गया कॉस अल्फा, दिस इज योर साइन अल्फा एंड दिस इज योर पी. अरे यस हाँ बेटू ओके, मम्मा का मोबाइल लिया, गो फास्ट ओपन करो, इट इज आउट, मोबाइल इज आउटसाइड. गाइस बेटा सबको समझ में आ गया है? यस सर, एकदम बच्चों जैसा करा रहा हूँ यार, इससे ज्यादा तो क्या कराऊंगा अभी. चलो नाउ ये आप लोग क्वेश्चन करो, नॉर्मल फॉर्म में आपको चेंज करना है. सर आंसर 7π/6 दिया है. 7π/6 पी की वैल्यू हमारी बराबर, सॉरी सर थीटा की वैल्यू 7π/6 दी और पी की वैल्यू 1 दी है. अच्छा 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 हाँ ओके ओके, 3/4 क्यों लिखा है, 3/5 नहीं होगा? नहीं एक मिनट रुको, वो मैं करा दूंगा, रुको अभी पहले मेरे को इसकी प्रैक्टिस करा लें दो, मैं वो कराता हूँ आपको, जो आंसर दिया वो सही है. देखो बेटा 2x 3y, चलो अभी इसको करो बेटा जल्दी से, एवरीबॉडी डू दिस, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो, कमन फास्ट. कमन फास्ट सर, डन, वेरी गुड. हमको किससे डिवाइड करना होगा स्क्वायर बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रूट 13 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय रूट 13. बेटा ये 2/√13 प्लस
3 by root 13 is equal to 2 by root 13. यहाँ पर क्या जाएगा बेटा? X. उधर वन. तो आप कंपेयर करेंगे तो देखो बेटा ये cos अल्फा क्या जाएगा बेटा 2 by root 13 और sin अल्फा is equal to क्या जाएगा बेटा 3 by root 13 और P क्या जाएगा बेटा 2 by root 13. Yes sir. Right. Everybody having सबका सेम आ रहा है? हाँ. Yes sir. चलो एक और कर लो तो प्रैक्टिस हो जाएगी जल्दी से. कमान फास्ट. सो डन. Done. इसको किससे डिवाइड करूंगा बेटा मैं? कोएफिशिएंट ऑफ x के 9 34. तो ये क्या बेटा देखो माइनस 2 अपॉन रूट 34 x. हाँ ना बेटा, पर सब कितना सिंपल हो गया. देखो ये हो गया cos अल्फा हो गया माइनस 3 अपॉन रूट 34 sin alpha is equal to 5 upon root 34 or p is equal to 2 upon root 34. Now getting up, everybody getting now, it's very simple. Now look at that. One point to be noted, an important point here. Wo p positive hona chahiye. जो पी एन आई शुड बी पॉजिटिव, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. यस, ये आपको अब देखो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या एक चीज अपने छोड़ दिया था उसको. क्या इक्वेशन थी? 2 3x प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0. तो सबसे पहले तो मैं किससे डिवाइड करूंगा जल्दी बताओ. x का ऑप्शन 3, y का ऑप्शन 1, तो आई विल डिवाइड बाय 2. तो देखो ये क्या जगह देखो डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या जगह देखो 2x प्लस 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2. है बेटा, अब देखो जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना वो क्या है कि ये माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव. अरे बोलो ना. हाँ, तो मैंने इसको माइनस से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3 बाय 2 एच माइनस 1 बाय 2 वाई इज इक्वल टू 1. कुछ नहीं है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू आ गया माइनस रूट 3 बाय 2, साइन अल्फा इज इक्वल टू आ गया माइनस 1 बाय 2, पी इज इक्वल टू 1. बोलो हाँ. यस यस. अब अल्फा निकाल लो. अल्फा तो हमको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया ना. अरे यस ना. 180 माइनस 30 इज इट? नहीं सॉरी, 6 आएगा. 5 5 6. यस नो. 180 प्लस, दोनों नेगेटिव है. थर्ड क्वाड्रेंट हुआ ना, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ. थर्ड क्वाड्रेंट हुआ मतलब क्या आ जाएगा? 180 प्लस 5 by 6 ट्रिग्नोमेट्री में समझा देता हूँ आपको. ये आपका ट्रिग्नोमेट्री थी, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है और पॉजिटिव नेगेटिव है. तो यहाँ पर अपना जो भी वैल्यू आई दिन में चल गया वो लिखी होंगी. गाइस यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग अगर देखो यहाँ तो ऑल पॉजिटिव हो गए. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम 180 माइनस थीटा करते हैं, मगर यहाँ पे क्या होता है बेटा
साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा और टेन थीटा वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव है ना बेटा। अभी हमारा इसमें क्या था, साइन थीटा और कॉस थीटा नेगेटिव थे, यहाँ पे टेन थीटा जो था वो पॉजिटिव था, तो अभी हमारा वाला जो केस था वो ये वाला हुआ। अरे यस, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 180 प्लस थीटा लिया, है ना। और अगर आपका साइन थीटा और टेन थीटा नेगेटिव होते और कॉस थीटा पॉजिटिव होता तो हम लोग क्या करते बेटा, 2 पाई, ये दिस इज 2 पाई माइनस थीटा ले। यस, ये आप याद रख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज एक बार कॉपी कर लो तो सब लोग। मैडम कॉपी, यस सर, इनको कॉपी होगा, एक बार इसको रिवाइज कर लो क्या फंडा है एक्चुअली। चलो गाइज मेरे समझो, देखो जैसे मैंने कहीं पे लिखा है, देखो बेटा अगर कहीं पे लिखा है टेन थीटा अकेला माइनस वन, तो हम थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है बेटा थीटा कैलकुलेट करने का तरीका। आप क्या करो, टेन थीटा माइनस इस तरह का टेन पाई बाय फोर हो जाता है, तो आप क्या कर लिया करो सीधे थीटा, क्योंकि देखो अभी क्या याद रखो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये हो गया 3 पाई बाय 4, अब ये नेगेटिव आ गया। दिस इज द वे टू कैलकुलेट, ये आपको आना चाहिए ना, जैसे अपने पास लिखा है साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2, तो हमको पता है साइन थीटा है तो ये सेकेंड में तो नहीं होगी, थर्ड में होती है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप ऐसे लिखो इसको, इसको लिखो साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 3, साइन में 180 आ जाता है बस, यस। अभी सपोज कॉस थीटा होता है माइनस 1 बाय रूट 2, तो हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय 4, तभी क्या जाता है, देखो इसमें क्या हो जाएगा 180 माइनस पाई बाय 4, तो 3 पाई। आपको याद रखना है कि टेन में और कॉस में 180 माइनस होता है और साइन में 180 प्लस होता है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये दोनों यहाँ नेगेटिव होते हैं और ये यहाँ पर साइन कॉस नेगेटिव होता है, है ना बेटा। अरे यस, यस सर। अब अगर दो एक साथ नेगेटिव होगा, जैसे सपोज बता चाहे साइन थीटा इजिकल टू एंड इजिकल टू सपोज है 1 by root 2 minus, और cos theta is equal to minus 1 by root 2 है, अब कौन सा quadrant होगा, तो अब ये वाला quadrant होगा second, यहाँ पे दोनों negative है, yes, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पे क्या लेंगे, कोई भी ले लो, जैसे sin theta is equal to minus 1 by root 2, तो हम लिखेंगे minus है ना, तो theta की value जाएगी बेटा 180, अभी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ थर्ड, 180 प्लस
यस बेटा है ना। चलो अपन वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। ये 7 5 6 आ गया, ये समझ में कैसे आया था? Yes. आज के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कॉपी करना बाद में आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। थर्ड करो। वन थर्ड करो। लेट्स ट्राई थर्ड क्वेश्चन। दो पार्ट है बेटा इसमें, ए सम इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू -6। बचपन से पढ़ते हैं हम तो, हमारी इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। सम दे रखा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और ए भी दे रखा है 6। कोई बात नहीं, यहाँ पर हो गया ए प्लस 6 बाय ए इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ए के वैल्यू 2 एंड 3। सर बट इसके तो रियल रूट्स नहीं आ रहे, इमेजिनरी आ रहे। अच्छा ऐसा है? हाँ सर। हाँ तो अपने गलती कर दी ना, यहाँ पे -6 है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर या -6 है इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू -3। अभी रूट्स इमेजिनरी है सर, 3 और -2 आ रहे हैं। 3 और -2 यस सर, अब सही। तब यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, -2 और ये 3 हो जाएंगे। यस यस सर। तो क्या x upon 3 plus y upon -2 is equal to 1 and x upon -2 plus y upon 3 is equal to 1. Yes? हाँ सर। कटिया क्वेश्चन है, सम दे रखा है 1 और प्रोडक्ट दे रखा है -2। मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी, दोनों का स्लोप क्या हो गया ना, पैरेलल कहाँ से होगी बेटा? कुछ नहीं बेटा, पहले स्लोप अलग अलग ना, तो सम दिया है तो ए प्लस बी वन हो गया, प्रोडक्ट -6 दिया तो ए बी 6 हो गया। बस ए और बी निकालना है क्योंकि यही आंसर होता है हमारा, तो बी की वैल्यू वहां से रख दी -6 बाय ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, सॉल्व करी, ए की वैल्यू आई 3 और -2, तो बी -2 और 3 रख दिया इसके अंदर। यस गाइस। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फोर्थ करो कमांड पास।
One, everybody do fast. Fourth question. Zero comma minus 8/3. Okay. गाइस देखो बेटा, अगर हमारे पास एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 एंड एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, सपोज एक p पॉइंट इसके ऊपर डाला a b, a b होती ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम x1 y1, तो आपको याद है कि मैंने फार्मूला पढ़ाया था. यस सर. क्या करना है, सीधे इस लाइन के अंदर ये पॉइंट रख देना है. यस सर. डिवाइडेड बाय a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b y1 प्लस c. वेरी गुड बेटा. रूट ओवर एक सा ऑप्शन क्या है a, y का ऑप्शन b. दिस इज योर आंसर. पर p की जगह इसमें